जज साहब कोर्ट में आकर बैठते हैं और आने के बाद जो पहला ही केस उनके सामने होता है, जैसे उसकी फाइल को पढ़ते हैं और फाइल में लगा हुआ फोटो देखते हैं, तो देखने के बाद उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि तेरी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ और तू ऐसा ही होगा और तेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सत्य होंगे। इस बात को सुनने के बाद कोर्ट रूम में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर जो वह मुजरिम था वह भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो जज साहब को जानता तक भी नहीं हूँ, फिर वो मेरे बारे में हर चीज से कैसे वाकिफ है। कौन था वह व्यक्ति जिसका कोर्ट रूम में केस चल रहा था और जज साहब उसे कैसे जानते थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक घर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है प्रवीण। प्रवीण के पिता सरकारी नौकरी किया करते हैं और अच्छे से अपने बेटे की देखभाल किया करते हैं। इधर जो प्रवीण है वह भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उनके कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छा है। प्रवीण अपनी हर क्लास को टॉप किया करता और अच्छे से अपने माता पिता का अनुसरण किया करता। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन अचानक से प्रवीण छुट्टी के दिन में अपने घर खेल रहा था और वह जिस बॉल से खेल रहा था वो बॉल उसके पड़ोस वाले घर में चली जाती है। अब जैसे ही वो बॉल पड़ोस वाले घर में गई थी तो उस घर के व्यक्ति बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद प्रवीण के घर वालों को बुरी बुरी गालियां देने लगते हैं। दरअसल दोस्तों जो पड़ोस में व्यक्ति रहा करता था वह प्रवीण के पिता से बहुत ही ज्यादा जला करता था, क्योंकि प्रवीण का पिता अच्छे खासे पैसे कमाया करता लेकिन वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाया करता। वह ज्यादातर शराब पिया करता और शराब पीने के कारण उसने अपने घर को बर्बाद कर रखा था। वो कुछ दिनों बाद अपनी थोड़ी सी जमीन के हिस्से को बेच दिया करता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता। अब इस बात को लेकर प्रवीण का पिता उसे समझाने के लिए जाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सीधा पुलिस को फोन कर देता है। अब उसके बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद दोनों के झगड़े का निपटारा करने लगती है। इसके बाद जो प्रवीण का पड़ोसी था वह पुलिस वालों को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता है और कहता है कि इसको बुरी तरह से धमका दो और इसे सभी के सामने बेइज्जत कर दो। वहां पर और लोग भी इकट्ठा हो गए थे जिन्होंने उस झगड़े के बारे में सुना था और उन लोगों को पता था कि बार बार ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और इसी वजह से वो झगड़े का मजा लेने के लिए वहां पर खड़े हो गए थे। लेकिन तभी वो पुलिस वाला जो प्रवीण के पड़ोसी के घर में घुसा था वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर प्रवीण के पिता को धमकाने लगता है। अब प्रवीण का पिता उससे कहने लगता है कि इसमें कौन सी दिक्कत हो गई, बच्चे से बॉल चली गई तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऐसा तो इनके घर की बॉल भी हमारे यहाँ पर आ जाती है लेकिन हम तो इनसे कुछ भी नहीं कहते। इस बात को सुनकर जो वह पुलिस वाला होता है एकदम से प्रवीण के पिता को जोरदार तमाचा जड़ देता है। अब सभी लोगों के सामने प्रवीण के पिता को तमाचा लगा था और यह बात प्रवीण भी खड़ा होकर देख रहा था। वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तो वह एकदम से झपट कर उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वह पुलिस वाला उससे कहता है कि रोक ले अपने बेटे को वरना इसके साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो प्रवीण का पिता होता है अपने बेटे को रोक लेता है और पुलिस वाले से माफी मांग लेता है। अब सभी लोगों के सामने उस पुलिस वाले ने प्रवीण के पिता को थप्पड़ मार दिया था और यह बात कहीं ना कहीं प्रवीण के दिल में घर कर गई थी। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन प्रवीण अभी तक अपने पिता की इस बात के बारे में सोच रहा था। वह घर के अंदर मायूस सा बैठा रहता है और इस बात को प्रवीण के माता पिता भी नोटिस कर लेते हैं लेकिन वो अपने बेटे को किसी भी तरह से आश्वासन नहीं दे सकते। इसके बाद प्रवीण अपने स्कूल जाता है लेकिन स्कूल के अंदर भी ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही करते उसे 5 दिन बीत जाते हैं। वह घर के अंदर भी चुपचाप रहा करता और स्कूल के अंदर भी चुपचाप रहा करता और इस दौरान उसके माता पिता भी उसे एक बार समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रवीण अपने माता पिता से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता है और वैसे ही वो गुमसुम सा 6वें दिन भी स्कूल में चला जाता है। अब जैसे ही वो 6वें दिन स्कूल में गया था तो एक टीचर प्रवीण को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था क्योंकि वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था और वह पिछले 5 दिन से इस बात को नोटिस कर रहा था कि प्रवीण चुपचाप अपने क्लास के अंदर बैठा रहता है। उसके बाद वह टीचर प्रवीण को अपने पास बुलाता है और उससे उदासी का कारण पूछने लगता है लेकिन प्रवीण फिलहाल भी चुप्पी साधे हुए बैठा है तो वह उससे कहता है कि बेटा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास हो। इसके बाद जो प्रवीण होता है वो मायूस से चेहरे से पूरी घटनाक्रम जो उसके पिता के साथ घटा था वो अपने उस टीचर को बता देता है। अब टीचर जैसे इस बात को सुनता है तो इस बात का उसे भी बड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ है और वह प्रवीण को बता देता है कि हो सकता है उसने तुम्हारे पड़ोसी के घर जाकर रिश्वत ले ली हो और रिश्वत के कारण ही उसने तुम्हारे पिता को थप्पड़ मारा था। अब यह बात प्रवीण के दिमाग में घर कर गई थी और उसकी निगाहों में वो पुलिस वाला खटकने लगा था तो वह कहता है कि सर मैं उस पुलिस वाले से बदला लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। अब इस बात को देखकर वो
उससे कहता है कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो तो तुम उससे बदला कैसे ले सकते हो। अगर तुम्हें उससे सच में ही बदला लेना है तो तुम्हें पढ़ लिखकर उससे भी बड़ा अधिकारी होना होगा ताकि तुम उसे उसकी औकात याद दिला सको और उसके बाद उससे तुम्हारा बदला ले सकते हो। इसके बाद प्रवीण पूछता है कि पुलिस वालों को सजा कौन दे सकता है, तो जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा वैसे तो पुलिस वाले के ऊपर और भी कई सारे अधिकारी होते हैं लेकिन एक जज को ही अधिकार होता है किसी को सजा देने का, तो तुम पढ़ लिखकर जज बन जाओ और उसके बाद उस पुलिस वाले को सजा दे देना। अब इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है कि उसे पढ़ लिखकर एक जज बनना है और जज बनने के बाद वह उस पुलिस वाले को सजा देगा जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा है। अब इसके बाद जो प्रवीण होता है वो बहुत जोर शोर से मेहनत करने लगता है और मेहनत करने के बाद वह अपनी स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई करता है और धीरे धीरे मेहनत करते हुए उसे 8 साल बीत जाते हैं और 8 साल के अंदर उसने अपने जज बनने के सपने को पूरा कर लिया था और वह एक जज बन गया था। अब जज बनने के बाद उसकी नियुक्ति एक कोर्ट में हो जाती है और वहां पर रहकर वो अपना कार्यभार संभालने लगता है। इसके बाद एक दिन बैठे बैठे प्रवीण के पिता उससे पूछ रहे थे कि बेटा तू जज क्यों बना है, तो उसके बाद वह बता देता है कि पिताजी मैं जज इसलिए बना हूं ताकि मैं उस पुलिस वाले को सजा दे सकूं जिसने आप पर उस टाइम पर हाथ उठाया था। इस बात को सुनकर प्रवीण का पिता उसे समझाने लगता है, कहता है कि बेटा वो बात बहुत पुरानी थी और उस बात को दिल से नहीं लगाया करते। तुमने जब जज बनने की इच्छा मुझसे जाहिर की थी उसी समय मैं समझ गया था कि तुम किस वजह से जज बनना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं की थी। लेकिन आज जब तुम जज बन गए हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी बेईमान लोगों का साथ मत देना और ईमानदारी के लिए चाहे तुम्हें अपने परिवार की किसी भी कंडीशन से समझौता करना पड़े तुम वो चीज कर देना। यानी कि उसके पिता कह रहे थे कि बेटा अपना काम ईमानदारी से करना, चाहे उसके बीच में तुम्हारा परिवार आ जाए तो उसकी भी परवाह मत करना। इसके बाद प्रवीण इस बात का धारण कर लेता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, तो वह उस पुलिस वाले को ढूंढना बंद कर देता है। ड्यूटी करते हुए उसको 2-3 साल हो गए थे और 2-3 साल बाद अचानक से प्रवीण का ट्रांसफर कराया जाता है। अब जैसे उसका ट्रांसफर होता है तो दूसरे कोर्ट के अंदर उसे कार्यभार संभालना था और वहां जाकर वो जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब पहली ही फाइल जो उसके सामने थी वो उसी पुलिस वाले की थी जिस पुलिस वाले ने उसके पिता को बेमतलब की ही चांटा मारा था। इसके बाद वह उस फाइल को पढ़ता है और फाइल को पढ़ने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में तो मैं रग रग से वाकिफ हूं, मुझे पता है कि जो इल्जाम तुम पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे सही ही प्रतीत होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रवीण होता है वो उस बात की तह तक जाना चाहता है और सोचता है कि अगर ये बेगुना हुआ और इसे मेरे हाथों से सजा मिल गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा, पिता की कही हुई बात का मान नहीं रख पाऊंगा। और इसी वजह से जब उस पुलिस वाले का वकील आगे की हियरिंग मांगता है तो वह आगे की डेट दे देता है और कहता है कि ठीक है अच्छे से इस केस को सुलझाएंगे और उसके बाद इस पर कोई फैसला लेंगे। हियरिंग देने के बाद वह अपने पिता के पास आता है और अपने पिता को उस पुलिस वाले के बारे में बताता है। इसके बाद जो उसका पिता होता है वो उसे एक बार फिर से हिदायत देता है और कहता है कि बेटा आवेश में आकर कोई गलत फैसला मत ले लेना, क्योंकि न्यायाधीश की जो कुर्सी होती है उसका मान रखना चाहिए और कभी भी उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रवीण भी अपने पिता को बता देता है कि पिताजी इसी वजह से मैंने अगली डेट दे दी है और अच्छी तरह से इस केस पर काम करने के बाद ही मैं कोई फैसला सुनाऊंगा। इधर जो वो पुलिस वाला था वह इस बात को सोच सोच कर परेशान था कि इसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है। इसके बाद वह पुलिस वाला जज साहब के घर पर पहुंच जाता है जहां पर जज साहब को सरकारी आवास मिला हुआ था, तो सरकारी आवास पर जाकर सुबह सुबह वो डोरबेल बजा देता है और अंदर से वही व्यक्ति जिसको उस पुलिस वाले ने उस टाइम पर थप्पड़ मारा था यानी कि प्रवीण का पिता दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो पुलिस वाला प्रवीण के पिता को देखता है तो एकदम से आश्चर्य से में पड़ जाता है। उसके बाद प्रवीण का पिता उसे अंदर बुलाता है और आदर सहित उसे ड्राइंग रूम में बैठाता है। अब बिठाने के बाद जो वो पुलिस वाला था एकदम से प्रवीण के पिता के सामने हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मुझे कुछ ऐसा देखना पड़ सकता है। मैं आपके पड़ोसी के बहकावे में आ गया था, उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे तो इसी वजह से मैंने उस टाइम पर आपको थप्पड़ मार दिया। आप उस बात को बिल्कुल भी दिल पर मत लेना और अपने बेटे से कह देना कि फैसला मेरे हक में ही कर दें, क्योंकि अगर यह गुनाह मुझ पर सिद्ध हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके खाने के वांदे हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद जो प्रवीण का पिता है वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा जो कुछ भी करेगा ईमानदारी के साथ करेगा, अगर तुमने ईमानदारी से कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हारी जीत होगी और मेरा बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर वो उससे जाने के लिए कहने लगता है, तभी जो पुलिस वाला होता है एक मिठाई के डिब्बे में उसने ढेर सारे पैसे रख रखे थे, उन पैसों को डिब्बों को उनके सामने करता है और कहता है कि अंकल जी ये कुछ मिठाई है जो मैं आपके लिए लाया हूं। अब जैसे प्रवीण
प्रवीण का पिता उस डिब्बे को खोलकर देखता है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि प्रवीण के पिता ईमानदारी की राह पर चलने वाले इंसान थे और उन्होंने अपने बेटे को इसी तरह का बनाया था। तो उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तू तो सच में ही बेईमान है और तेरे साथ तो जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा और यहाँ से निकल जा, मेरा बेटा अभी नहाने के लिए गया है, अगर उसने तुझे देख लिया तो तेरी खैर नहीं है, फिर तू देख लेना तेरे साथ क्या होता है। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है वहां से अपने उस डिब्बे को लेकर दबे पांव वापस निकल आता है और सोचता है कि अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन कोर्ट में गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं और सारे गवाह और सबूत ये चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि इसने बेईमानी की है। दरअसल दोस्तों उस पुलिस वाले ने एक केस के लिए रिश्वत ली थी और उस रिश्वत को लेने का पक्का सबूत उन लोगों ने कोर्ट में पेश कर दिया था। तो इसी वजह से जो जज साहब होते हैं उसको उसी के गुनाह के आधार पर सजा सुनाते हैं और सजा सुनाने के बाद मन के अंदर शांति धारण करते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, जिसने मेरे पिता का अपमान किया था उसको मैंने सजा दे दी है। सजा सुनाने के बाद शाम को वे अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद अपने पिता को किए गए फैसले के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि पिताजी उसके खिलाफ पूरे सबूत थे और सबूतों के आधार पर ही मैंने उसको सजा दी है। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता सुबह के हुए घटनाक्रम को उसे बता देता है और कहता है कि बेटा वो पुलिस वाला यहाँ पर भी आया था और उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ से भगा दिया और कहा था कि मेरा बेटा आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अब इसके बाद ये बात वहां तक भी पहुंच जाती है जहां पर वो उस टाइम रहा करते थे। इस खबर को जब वहां के लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद प्रवीण की वाहवाही करते हैं और कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो जिसने इतने दिनों बाद अपने पिता के उसका बदला ले लिया। लेकिन वहां पर सबूतों के बारे में बताया जाता है और पूरी हकीकत न्यूज चैनलों पर बताई जाती है। तो इसी वजह से वहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बुरे के साथ हमेशा बुराई होता है, उसने गलत किया था तो उसको इसकी सजा मिल गई। एक बार जब छुट्टियों के टाइम पर प्रवीण अपने परिवार के साथ वहां पर जाता है तो सभी लोग उसके पिता से इस बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने उस पुलिस वाले के साथ सही किया, क्योंकि कॉलोनी वालों को यह बात भी पता चल गई थी कि उनके पड़ोसी ने उसको रिश्वत दी थी और रिश्वत के कारण ही उसको थप्पड़ मारा था। प्रवीण का पिता उनसे हाथ जोड़ता और कहता है कि चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, जैसा उसने किया उसका फल उसे मिल गया। इधर उनका जो पड़ोसी था जिससे उनकी लड़ाई हुआ करती थी और अक्सर वह प्रवीण के पिता की होड़ किया करते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और बर्बाद होने के कारण उसने शहर के अंदर से ये घर भी बेच दिया था और गांव में जाकर रहने लगा था। इसके बाद जो प्रवीण के पिता होते हैं वह अपने बेटे को अपने साथ लेते हैं और कुछ मिठाइयां अपने साथ लेते हैं क्योंकि त्योहार था, और सीधे उस पड़ोसी के यहां पर पहुंच जाते हैं। अब पड़ोसी की हालत जैसे ही वो देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही तरस आता है, क्योंकि पड़ोसी अब बिस्तर पर बीमार पड़ा था और उसकी देखभाल करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद जो प्रवीण के पिता होते हैं उस मिठाई के डिब्बे को उसको देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप उस टाइम पर हमसे लड़ाई नहीं करते और वो पुलिस वाला हमें चाटा नहीं मारता तो शायद आज मेरा बेटा जज नहीं बन पाता। इसके बाद वह पड़ोसी भी उल्टा उनसे हाथ जोड़ने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है, कहता है कि भाई साहब मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे जलन कर करके अपनी बर्बादी कर ली और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। वह उनके सामने फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उसके बाद प्रवीण के पिता उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, आपने जैसा किया वैसा ऊपर वाले ने आपको सजा दे दी और अब आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करो। इसके बाद जो प्रवीण के पिता होते हैं उसे कुछ आर्थिक मदद देते हैं और कहते हैं कि अपना अच्छे से इलाज करवाओ और इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसके पिता को एक पुलिस वाले ने चाटा मारा और उसी वजह से वो जज साहब बन गया। आप क्या कहना चाहते हो प्रवीण के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो पुलिस वाले के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।